पासपोर्ट लो वीजा लो। तो प्यारे भाई और बहनों, पेश है आप सबकी खिदमत में एलपीयू के स्पेशल स्टाफ के लिए स्पेशल डिस्काउंट। जी हाँ, एक कपल हनीमून वीजा के लिए ससुर सास और ससुर का वीजा बिल्कुल फ्री, मुफ्त। तो आप सबकी खिदमत में पेश है माई सेल्फ बडी एंड वी बोथ आर चटी बडी। वीजा इमिग्रेशन सर्विसेज, बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के बाहर कैसे जा रहे हैं, ये है हमारी खासियत। आई मोहतरमा, आपकी कैसे सेवा की जा रही? भाया, आप मुझे कहीं बाहर ले जा सकते हैं? ओ मैडम जी, आपको इनका नहीं पता, ये तो सामने ऑडियंस बैठी है, वरना ये आपको कहीं और ही ले जाते। ओ नहीं मैडम जी, नहीं, कहीं और नहीं। आप इनके बात छोड़िए, आप ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रूबी पटाखा। है? ये कैसा नाम है रूबी पटाखा? सारे एलपीयू वाले मुझे रूबी रूबी कहते हैं और बाकी सब पटाखा पटाखा। सॉरी रूबी जी, आप ये बताइए तो आपने फिर जाना कहाँ है? आपने मुझे दुबई भेज दो, मैं वहाँ जाके कोई शेख पसंद कर लूंगी। ओ मैडम जी, शेख पसंद करने के लिए दुबई जाने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे यहाँ ब्लॉक नंबर 34 के बाहर उस बार मिल जाएगा। अब बात करो, कौन सा शेख की होगी? मुझे इमिग्रेशन वाले कम और कोई जूम वाले ज्यादा मैडम जी, मेरा नाम है जहा सिंह। जहा सिंह दिखा जी, उठ के दिखा जी। जी मैं बाहर जाना जी, बाहर जाना है। हाँ जी, तू बाहर चल बाहर। ओ जी, ओ आपने बाहर नहीं जाना जी, मैं दूसरे वाले बाहर जाना है। ओ सुन जल्दी। हाँ बड़ी, मुझे लगता है इसको दूसरे वाले बाहर जाना है। हाँ जी हाँ जी, देखो बाहर जाना है। हाँ जी, इधर आ फिर मेरे साथ, इधर आ इधर। हाँ जी, ये पास है पानी की बोतल। हाँ जी, पीछे वॉशरूम। हाँ जी, चल दूसरे वाले बाहर। तो तुम सच्ची इमिग्रेशन वाले हो? हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छी एक और ज्यादा लग रही, इमिग्रेशन घट लग रहा है। मैं आपने बाहर नहीं जाना, मैं कनेडा जाना जी। कनेडा? कनेडा ही जाना है। What is the mall of all? Gopi the fool. What is alu? What is petha? Ki paal aaya setha. Oh, kya baat hai? Shah palle. Kya baat hai? Ki paal aaya setha. Haan ji. बस भाई जासिम जी, ऐसा है आपकी जहाज की टिकट होगी पक्की। अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागज ले आओ हमारे पास गिरवी, और आपके जहाज पे लग गया स्टैंप वीजा। कितने डब कितने डब कितने डब लाजवाब हो। क्या बात है, एक सुनाई होगी अपनी। शाबाश, ऐसे ही बंद करना है ऐसा, ठीक है? आइए आइए मोहतरमा मैडम जी, सत श्री अकाल। ओए बहन जी, किसको बोला? ओ बहन जी, ओ भाई जी, बहन जी, भाई साहब, बहन जी, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, मुझे ना बाहर जाके सेटल होना है, आप मुझे बाहर भेज सकते हो क्या? अरे बाहर तो हम आपको भेज देंगे, पहले ये बताओ अपनी क्वालिटीज तो बताओ कौन कौन सी है। देखो जी, क्वालिटीज तो मुझमें इतनी है कि गिनते गिनते दिन ही खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, क्वालिटीज तो बहुत है मेरी बेटी में, जैसे 10वीं फेल, ना इंग्लिश आती, ना मैथ, और ऊपर से 12वीं में नंबर 1 में ही। और मैं शराब को तो हाथ ही नहीं लगाती, कौन से भी जाती है बेटी। अब वो सब छोड़ो, अब ये बताओ मुझे बाहर भेज सकते हो क्या? बाहर? आपको बाहर जाना? चड्डी क्या कर रही है? दिमाग को जा रहा हूँ ताकि आइडिया आए। आइडिया आइडिया बताओ।
मैडम जी आप ऐसे करो, आपको बाहर जाना, हमने आके बूढ़े से शादी करा देनी है, आप बूढ़े शादी करो, फ्लाइट पकड़ो सीधा बाहर, चट मंगनी चलो बाहर। पर मम्मी लड़का भी तो मेरी पसंद होना चाहिए। शादी करो और शादी 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 मजा आ गया यार। और क्या हो गई बाहर? माता जी इस उम्र में शमशान के वीजा लगते हैं, आपने बाहर का वीजा किस लिए लेना है? जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, अगर तुमने मुझे बाहर नहीं भेजा तो शमशान तो मैं वैसे भी पहुंच जाऊंगी। ऐसा क्या हुआ माता जी? अरे तुम जैसे लोग हमारे बच्चों को झूठ के जाल में फंसा के बाहर भेज देते हो, फिर वो ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के, कुछ लोग पनामा के जंगलों में दम तोड़ देते हैं तो कुछ पाकिस्तान की जेलों में, और हमारे जैसे माँ बाप उनका इंतजार करते करते यहीं पे मर जाते हैं। भगवान का वास्ता, बंद करो ये सब, छोड़ दो ये धंधा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, अब्बे से हम में कोई भी बाहर नहीं जाएगा, यहाँ के लोग यहीं पर सेटल होंगे और बाहर के लोग भी यहीं पर आके सेटल होंगे और हम सब एक साथ कहेंगे सारे मैं यहाँ मौजूद तमाम लवली के स्टाफ से दरखास्त करूंगा कि सब लोग अपनी सीटों पर खड़े होकर आने वाले शेर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और अपनी देश की शान को और आगे बढ़ाएं। तो शेर कुछ इस प्रकार है कि दौलत की दुनिया में लीन है कहाँ किसी की खबर रही, दौलत की दुनिया में लीन है कहाँ किसी की खबर रही, तड़प तड़प कर बूढ़ी माँ देखो बिस्तर पर कैसे मर रही। उस शिक्षा का जीवन में कोई मूल्य नहीं रह जाता है जब खुद की मां को कंधा देने पड़ोसी घर पर आता है, पड़ोसी घर पर आता है। And that was